हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईटी ज्ञान पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम इंटरनेट के बारे में बात करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। यह आपस में एक दूसरे से कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना है। इंटरनेट को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेट को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिन्हें हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। इंटरनेट में इन्हीं प्रोटोकॉल का यूज़ करके सूचना का यानी डेटा का आदान प्रदान होता है। यह TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। मतलब प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हुए डेटा का पैकेट स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान होता है। तो आप यह कह सकते हैं कि इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क जो लाखों पब्लिक एंड प्राइवेट एजुकेशनल बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क को सारे दुनिया में विस्तार करने में मदद करता है। ये आपस में तांबे के तारों, फाइबर ऑप्टिकल केबल, वायरलेस कनेक्शन तथा दूसरी तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं। दुनिया के लगभग सारे नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े हैं। इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। मतलब ग्लोबल इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क अराउंड द वर्ल्ड, जिसे सूचना राजपथ, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे भी कहते हैं। इंटरनेट विभिन्न सूचना संसाधनों और सेवाओं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑनलाइन चैट, ऑनलाइन बैंकिंग, फाइल ट्रांसफर और शेयरिंग, ऑनलाइन गेमिंग, इंटरलिंक, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और वर्ल्ड वाइड वेब WWW को कैरी करती है। किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेनी होती है। उसके बाद टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर से जोड़ा जाता है। जब जाकर आप इंटरनेट सेवा का यूज़ करते हैं, ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आपके पास फ़ोन है जो कि एक डिवाइस है और इंटरनेट चलाने के लिए आपने किसी ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस ली है, जैसे जियो, आइडिया, एयरटेल, ये सारे ISP हैं आपके लिए जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए आप एक स्पेशल रिचार्ज कराते हैं। भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ 15 अगस्त 1995 में दूर संचार निगम लिमिटेड द्वारा आरंभ किया गया था। भारत में लोकप्रिय इंटरनेट सेवा BSNL, DSNL, MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मंत्रा ऑनलाइन तथा सत्यम ऑनलाइन इत्यादि हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अब हर जगह जियो आ चुका है। भारत के अनेकों शहरों में DNS डोमेन नेम सिस्टम सर्वर है। DNS सर्वर एक कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटर के डोमेन यानी नाम को IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करता है। ये DNS भी एक अलग टॉपिक है जिसे किसी दूसरे वीडियो में मैं समझाऊंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, बिना बेल आइकन को दबाए मत जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।